सूर्य लुकमान आयत नंबर 18 में और ज़मीन पर तकबर से ना चलो। तकबर यानी देखें यानी खुद पर बहुत गुरूर करना, अपने आप को अजीम कि भी मैं हूँ वो नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कहा अपने फरिश्तों से कि ऐ मेरे फरिश्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, सब ने सजदा किया लेकिन सिवाय शैतान के, इब्लीस के। उस वो तकब्बुर में आ गया, गुरूर में आ गया कि मैं तो आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी से बनाई है, ये तो खाक से बनाई है। तो अल्लाह पाक ने उसकी इतने बरसों की मेहनत को उसकी अल्लाह पाक ने उसकी वर्शिप को उसके ऊपर ही उसको मार दिया और उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो तकब्बुर आज की जो दौर में बहुत है, लोग अपने आप पे बहुत तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी की जो मैंने घड़ी पहनी है, भाई आपने पहनी है ठीक है, आप तकब्बुर क्यों कर रहे हो? तकब्बुर तो अल्लाह को ना पसंद है, क्यों कर तकब्बुर आप? अब लोग जो हैं वो ज़मीन पर तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं कि फ़लाँ के पास ये, फ़लाँ के पास वो है, फ़लाँ ने ये कर लिया। भाई ठीक है, देखो ना मैंने ये कर लिया, उसके पास नहीं है भाई, उसके पास नहीं है, आप तकब्बुर क्यों कर रहे हो, आप गुरूर क्यों कर रहे हो? सूरह बकरा अगली आयत नंबर है, सूरह बकरा आयत नंबर 168। ए लोगों, जो कुछ ज़मीन में मौजूद है इनमें से पाक खराब चीज़ें खाओ। अब हलाल हराम का फ़र्क हमने देखना है, क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या चीज़ हमारे लिए हराम है। हलाल चीज़ें जैसे सेब है, फल है, ये तमाम चीज़ें हलाल हैं, गोश है, मुर्गी का पैर, कोई तमाम चीज़, ये चीज़ हलाल है। बट जैसे जैसे शराब है, जैसे मल्टीपल जानवरों का गोश हराम है और शराब भी हराम है, ये तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो हलाल चीज़ है वो खाओ, सेब है, फल है, गोश है, मुर्गी का, गाय का, खजूर, तमाम पाक हलाल चीज़ें खाओ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।